नमस्कार, आप जो राजो टीवी 9 गुजराती समाचारों साथे हूं छु विधि। સૌથી પહેલા સમાચાર ઉત્તર પ્રદેશ થી મળી રહ્યા છે। જ્ઞાનવાપી કેસ ને લઈને इलाहाबाद હાઈકોર્ટે આપ્યો છે એક મોટો નિર્ણય। હાઈકોર્ટે મુસ્લિમ પક્ષની તમામ પાંચેય અરજીઓ ફગાવી છે। હાઈકોર્ટ નો વારાણસી જિલ્લા કોર્ટ ને આદેશ છે કે 6 મહિનામાં કેસ ની સુનાવણી પૂર્ણ કરવામાં આવે। હાઈકોર્ટે જ્ઞાનવાપી કેસ ને પ્લેસિસ ઓફ વર્શિપ એક્ટ થી અલગ ગણાવ્યો છે। ज्ञानवापी केस में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं थाय। आज एक्ट नो हवालो मुस्लिम पक्ष तरफ थी आपवामां आवतो हतो, ज्यारे कोर्टे आ मामले हवे स्पष्ट करी दीधुं छे के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आ केस में लागू नहीं थाय। ज्ञानवापी केस में आ कायदो लागू नहीं थाय। उल्लेखनीय है कि आ एक मोटा समाचार के जेने लईने अत्यारे विगतो मळी रही छे। हाईकोर्टे वाराणसी जिला कोर्ट ने आदेश कर्यो छे कि 6 महिनानी अंदर आ केसनी सुनावणी पूर्ण करवामां आवे। उल्लेखनीय है कि अगाउ एसआई सर्वे ने लईने पण मुस्लिम पक्ष द्वारा विरोध नोंधवामां आव्यो हतो, त्यारे हाईकोर्टे हवे ज्ञानवापी केस ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट थी अलग गणाव्यु छे। तेमनुं कहेवुं छे कि ज्ञानवापी केस में प्लेसेस ऑफ वर्शिप जे कायदो छे ते लागू नहीं थाय। ज्ञानवापी केस ने लईने इलाहाबाद हाईकोर्ट नो आ मोटो निर्णय। हाईकोर्टे मुस्लिम पक्ष नी तमामे तमाम पांचे अरजीओ ने फगावी होवाना समाचार। न्यायालय ने जो फैसला दिया वह एक ऐतिहासिक है और ये सभी पक्षों को मानना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि 6 महीने में इसे निस्तारित किया जाए और उनके एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया है। किसी चीज को केवल लटकाना ही न्याय नहीं है, वैसे भी देर से बहुत देरी होने से न्याय का कोई मतलब नहीं रह जाता, इसलिए न्यायालय ने बहुत ही अच्छा निर्णय दिया है कि 6 महीने में इसे निस्तारित किया जाए। यह एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि बहुत दिनों से ये मामला लंबित है और एप्लीकेशंस डाल करके केवल मामले को लटकाया जाए। जो मुस्लिम पक्ष के तरफ से फाइल किए गए थे उन सबको खारिज कर दिया और यह होल्ड कर दिया कि ये जो सूट 1991 का दाखिल किया गया है वार्ड संख्या 610 सन 1991 दैट इज नॉट बार्ड बाई सेक्शन 4 ऑफ द प्लेसेज ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991।